जहां चाह वहां राह। ये कहावत कर्नाटक में रामनगर के चिक्केनहल्ली गांव के रहने वाले दो भाइयों महेश मातृभूमि और हरीश कुमार पर सटीक बैठती है। इन भाइयों ने छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस की समस्या को पूरे गांव के लिए ही दूर कर दिया है। कोरोना संकट के दौर में स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। ऐसे में इस गांव में रहने वाले 180 से ज्यादा छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस करना बड़ी चुनौती थी। जिन छात्रों के परिजनों ने किसी तरह डेटा पैक की व्यवस्था कर भी ली, वहां भी डेटा स्पीड की वजह से बच्चों की पढ़ाई मुश्किल थी। कई परिवारों के पास स्मार्टफोन भी नहीं थे। इन समस्याओं को महेश और हरीश ने समझा और दूर किया। ना योजने मूलक ना इंटरनेट मूलक इडी ऊर् वैफई फ्री आगे विद्यार्थी उद्देश्योस्क उपयोग आगली नमु मदल मदल नमें इंटेंशन आमेल्लामेल कनेक्शन को अन्सत याके फ्री आगे बिड़बार् ना अद्क पासवर्ड हाँ अंत अंदी पासवर्ड हाकि लिमिटेड मेबर्स यूज मिली अंत अंदी आमले ना पासवर्ड हाँ इकोड़ बदलो फ्री आगे ओपन आगे बिड़ो या जन उपयोग आगे। महेश और हरीश दोनों ही किसान हैं, लेकिन पढ़ाई के महत्व को बखूबी समझते हैं। गांव के छात्रों की पढ़ाई सुचारू चलती रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी जेब से 3 लाख रुपए लगाकर चन्न पटना से अपने गांव चिक्केनहल्ली तक ऑप्टिकल फाइबर की केबल बिछाई। अब युवा ब्रॉडबैंड योजना की मदद से पूरा गाँव मुफ्त वाईफाई की सुविधा ले रहा है। ग्राम युवक श्री के वी शिवण मकल मातृभूमि सेवा फौंडेशन ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೀಬ್ 2000 ಘರ ಇದೆ और यहाँ रहने वाले सभी ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा दी गई है। जगह जगह हॉटस्पॉट और कंप्यूटर लगाए गए हैं, जिससे छात्रों के साथ ग्रामीण भी डिजिटल इंडिया से जुड़ सकें। मातृभूमि सेवा फाउंडेशन वृद्धाश्रम और स्वास्थ्य केंद्र भी चला रहा है। महेश और हरीश की जोड़ी और उनका मातृभूमि सेवा फाउंडेशन चिक्केनहल्ली को आदर्श गाँव बनाने के लिए बेमिसाल काम कर रहा है। साथ ही ऐसे लोगों को राह दिखा रहा है जो अपनी मातृभूमि की सेवा में कुछ करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।